और गुरु रविदास के द्वारे, गुरु रविदास के घर द्वारे क्या पिया क्या खाया। ये वाणी उस समय की है जब कबीरदास जी महाराज जाते हैं गुरु रविदास जी के पास और जाकर के कहते हैं कि महाराज मुझे जल दे दीजिए पीने को। जैसे गुरुदेव कबीरदास जी को अपनी कटवत से जल भर करके देते हैं तो कबीरदास जी के शिष्य कहते हैं कि महाराज आप अगर इस चमार के घर का पहले देखो कितनी छुआछूत थी पहले, अगर आप इस चमार के घर का जल पी लोगे तो आप चमार हो जाओगे। सुन लो भाई। और यही समझ करके कबीरदास जी कहते हैं कि ये जल आप मेरे कमंडल में डाल दीजिए मैं आगे पी लूंगा और गिन करके उस जल को आगे जाकर के खिंडा देते हैं। और जैसे ही घर जाते हैं आज कमाली क्या पूछ रही है अपने पिताजी से, कमाली ने बाबुली से जी फरमाया, कमाली ने बाबुली से जी फरमाया, और गुरु रविदास के गए द्वारे, रविदास के गए द्वारे, गुरु रविदास के गए द्वारे, रविदास के गए द्वारे, कबीरा का खाया कमाली ने बाबुली से जी फरमाया, कमाली ने ऐसा क्या प्रसाद दिया सतगुरु ने जो घर तक ना लाया, क्या प्रसाद दिया सतगुरु ने जो घर तक ना लाया, क्या प्रसाद दिया सतगुरु ने जो घर तक ना लाया, क्या प्रसाद दिया सतगुरु ने जो घर तक ना लाया। अरे क्या तुमसे नाराज हुए, अरे क्या तुमसे नाराज हुए, तुमसे नाराज हुए, तुमसे नाराज हुए, नहीं बताया कमाली ने बाबुल से जी फरमाया, कमाली ने बाबुल से जी फरमाया, रविदास के गए द्वारे, रविदास के गए द्वारे, रविदास के गए द्वारे, रविदास के गए द्वारे, दुनिया का खाया कमाली ने बाबुल से जी फरमाया, कमाली ने बाबुल से जी फरमाया। कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि बेटी क्या कह रहे हैं, अरे हमने कहा था जल पीने को बरकुंडी से लाया, हमने कहा था जल पीने को बरकुंडी से लाया, अरे हमने कहा जल पीने को बरकुंडी से लाया, हमने कहा था जल पीने को बरकुंडी से लाया। पीछे बोला कर बाद में है ना, हमरी तुम भी रही न काम की, हमरी तुम भी रही न काम की, अरे हमरी तुम भी रही न काम की, हमरी तुम भी रही न कार की, ये सोच के दूर खिलाया कमाली ने बाबुल से जी फरमाया, कमाली ने बाबुल से जी फरमाया, गुरु रविदास के गए द्वारे, गुरु रविदास के गए द्वारे, गुरु रविदास के गए द्वारे, कमाली ने बाबुल से जी फरमाया, कमाली ने बाबुल से जी फरमाया। जैसे ही कबीरदास जी बताते हैं तो कमली पूछते हैं कि पिताजी
वो कुंडी कहाँ है जिसमें गुरु जी ने जल दिया था। तो वो कहते हैं कि देख लो अंदर ही होगी यही कहीं। और जैसे ही कमाली अंदर जाती है तो क्या देखती है, अरे अंदर जाकर देखने लगी तीन बूंद जल पाया, अंदर जाकर देखने लगी तीन बूंद जल पाया, अंदर जाकर देखने लगी तीन बूंद जल पाया, अंदर जाकर देखने लगी तीन बूंद जल पाया। और फिर क्या करती है वो रक्त हथेली पे, अरे रक्त हथेली पे चाटी गई जब हथेली पे चाटी गई उसे हो गया जल सवाया। जैसे ही कमाली को ज्ञान हुआ था ना तो मुल्तान शहर जहाँ कमाली की जो है रिश्ता तय किया था, भैया मीठा मीठा, जहाँ कमाली का रिश्ता तय किया था कबीर दास जी ने, उसकी ससुराल कमाली की ससुराल जो थी ना मुल्तान शहर कमाली के गांव से 16 किलोमीटर दूर थी मुल्तान शहर, और कमाली को वहीं खड़े खड़े नजर आ रहा था कि मुल्तान शहर में आग लगी हुई है। ठीक है जी, जब ज्ञान हुआ था और वो जैसे आज कुएं पर जाती है देखते हैं क्या ये जल भरने को गई कुएं पर जल ऊपर को आया, जल भरने को गई कुएं पर जल ऊपर को आया, जल भरने को गई रे कुएं पर जल ऊपर को आया, जल भरने को गई कुएं पर जल ऊपर को आया। मुल्तान शहर में आग लगी, 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 उन भर भर को लिखवाया कमाली ने बाबू से फरमाया, कमाली ने बाबू से फरमाया। जब जब कबीर दास जी को पता चलता है तो कबीर दास जी जाते हैं कमाली के पास और कहते हैं क्या, अरे हाथ पकड़ कर कहे बेटी ज्ञान कहाँ से आया, हाथ पकड़ कर कहे बेटी ज्ञान कहाँ से आया, सागमा पदा पाला मा परे माला दर्शन सरे तम 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 अरे हाथ पकड़ कर कहे बेटी ज्ञान कहाँ से आया, हाथ पकड़ कर कहे बेटी ज्ञान कहाँ से आया। अरे कहता नल्लू रविदास की चली, कहे कमली रविदास की चली, कहे कमली रविदास की चली, कहे कमली रविदास की चली, सतगुरु की ये बाया कमाली ने बाबू ने।